झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार के द्वारा बोकारो वन क्षेत्र के पेटरवार सभागार में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप कुमार, अपर समाहर्ता सदात अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, वन पदाधिकारी अरुण कुमार, अंचल अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेंद्र चौरसिया मौजूद रहे। तो 200 जगह ये सर कुल अभी मिलाकर हम लोग का कवर हुआ है, इसमें कुछ वार्ड भी हैं सर, और वो बाकी दोनों जगह का वार्ड भी मिला हुआ है, इसलिए सर पंचायत अभी सर और पटना से थोड़ी सी ज्यादा बची है कवर करने। स्पेसिफिकली बताइए जैसे कहाँ ऐसा दिक्कत जैसे सर को था, उलगड्डा पंचायत पिछड़ी वगैरह का था, इस सब में उसका रिस्टोर नहीं लग पाया। वहाँ पर सर दो जगह का हम लोग मिला था कि प्रखंड की टीम थोड़ा लेट पहुंची थी, उसे तो संबंधित नोडल ऑफिसर को भी हमने शोकॉज किया है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है, इसमें किसी भी स्तर पे अंचल प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर के जो नोडल ऑफिसर हैं बिना किसी लेजिटिमेट रीजन के अगर वहाँ पर कोई डिले होती है या एबसेंट रहते हैं तो उन पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। कहा कि अगर कहीं कुछ इस प्रकार की कंप्लेन मिलती है तो उस पर त्वरित गति से हम लोग कार्रवाई करेंगे, और लेकिन इस प्रकार के मामले कम ही है और ज़्यादा नहीं है कि कोई नहीं, कभी कदार कैसा कभी होता है कि कहीं पे कोई नहीं पहुंच पाया तो उसको टैकल किया जा रहा है, उसको हम लोग सुन जा रहे हैं। नहीं हुआ है जो 35% जो परफॉर्मेंस है उसके क्या कारण, उसका कारण यही है कि उस पर मतलब जिला प्रशासन का कोई रोल नहीं, मतलब मीन्स रोल है लेकिन उस पर कंट्रोल हम कह सकते हैं जो इफेक्टिव कंट्रोल होता है वो नहीं, क्योंकि अब मान लो पीएम आवास योजना के लगभग 5 से 6 हज़ार के आसपास आवेदन आए, अब पीएम आवास योजना में जब सेंक्शन होगा तब पीएम आवास योजना दे सकते हैं। यूएलबी का जो मुझे फिगर याद आ रहा है लगभग 1,000 के आसपास होगा, तो अर्बन लोकल बॉडी जो होती है उसका फिगर है। इसके अलावा मतलब 2-3 हज़ार मतलब जो मिसलेनियस 4 हज़ार के आसपास मामले हैं वो सब मामले हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक सरकार का जो प्रयास है कि मतलब आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा, उसके तहत जो ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं सारी सर्विसेज को यहाँ पे एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा जा रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, और इस पे जिला प्रशासन के भी जो कर रहा है इसको भी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। और सभी जगह बताया, ऐसा नहीं कि पेटरवार में, बाकी सब जगह 249 जो पंचायत हैं जिला की उसमें लगभग 200 जगह अभी तक हम लोग इसको कर चुके हैं, तो 49 पंचायत और बची हैं उसको भी मतलब जो 28 दिसंबर से पहले इसको टैकल किया जा रहा है, और 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा जो इसका प्रमंडल स्तर का है जो कार्यक्रम है उसको भी मतलब उस पर भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इसका एक तरह का फ्रेमवर्क है, और सबसे मैंने अभी बोला भी था जो हम लोग मतलब वहाँ पे थे कि सबसे बड़ा इसका अच्छा जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हम लोग मतलब उसको ट्रैक कैसे करें। हम लोग भी जनता दरबार जब पहले करते थे या बाकी लोग भी करते हैं, अप्लीकेशन गया इसके बाद अप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई, तो उस अप्लीकेशन को जब आप डिजिटली रूप से मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि वेब के माध्यम से आप जब उसको ट्रैक करते हैं तब आप ट्रैक करते हैं तो लाभुक को भी लगता है कि नहीं ये एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई, और जो बंदा है जिला प्रशासन का बंदा है या जिस डिपार्टमेंट का बंदा है उसको भी लगता है कि नहीं ये अब हमको नंबर दे दिया है मैंने इसको, अब इसको हमको कहीं ना कहीं से इसको इसका जवाब देना है, और वो जवाब मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि जिला प्रशासन ही देख सकता है, वो जवाब मतलब राज्य सरकार लेवल पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी लेवल पे भी सब लोग देख सकते हैं। तो एक बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा मतलब जो है कि एंड टू एंड टाइप किया हुआ है, किसी की समस्या है तो उसके मतलब आप जाइए उसके पास वो अपनी समस्याएं बताएगा ताकि उसको हैसल फ्री एक एक्सेस हो सके, समस्या का हैसल फ्री एक्सेस मतलब रूप से वो बता सकता है, जिला प्रशासन के लोग रहेंगे, और इसके बाद मतलब उसको ट्रैक करना, ट्रैक करके उसको कंप्लीशन तक ले जाना, मतलब एंड टू एंड सोल्यूशन जो कहना किसी भी चीज़ का, वही एक मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है कि शुरुआत करें तो उसका मतलब एक तरह का सही समापन भी होना चाहिए, तो वो